अगर आप एक पाइथन डेवलपर हो तो आपने अपनी लाइफ में ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि पाइथन बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा चीजों में यूज होती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, गेम डेवलपमेंट में यूज होती है, मशीन लर्निंग में यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज होती है, वेब स्क्रैपिंग में यूज होती है, ऑटोमेशन में यूज होती है और ना जाने क्या क्या। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें पाइथन का यूज किया जाता है, लेकिन हम इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पाइथन का कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है या फिर पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है। हम उस सब चीजों में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि जेंगो की, अगर तो आप जेंगो डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि जेंगो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है, लेकिन अगर आप जेंगो को बिल्कुल भी अभी तक यूज नहीं कर पाए तो आपको पता भी नहीं है कि जेंगो होता क्या है या फिर जेंगो किसके लिए यूज की जाती है। सिमिलरली बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि मशीन लर्निंग में यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, वेब स्क्रैपिंग में यूज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से लाइब्रेरीज या फिर कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि पाइथन के होते हैं और हम किन किन चीजों के लिए उनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो देन आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इनमें से किसी एक की भी नॉलेज होगी वो भी सफिशिएंट रहता है। तो वेब डेवलपमेंट के अंडर आते हैं जेंगो, फ्लास्क, पिरामिड, डैश, बॉटल, चेरी पाई, क्यूबिक वेब, टर्बो गियर्स, वेब 2py, फैलकॉन। इनमें से जेंगो और फ्लास्क सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की, जिसमें से नमपाई, पांडास, स्काईपाई, टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च, सीबॉर्न, केरस, स्काईकिट लर्न, थियानो, मैट प्लॉटलिप का यूज किया जाता है। इनमें से नमपाई, पांडा, स्काईकिट लर्न और टेंसर फ्लो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब बात करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंडर क्या क्या आता है। पाई यूनिट, पाई टेस्ट, रोबोट, स्प्लिंटर और बिहेव, ये सब चीजें आती हैं। इन सब में से पाई यूनिट और पाई टेस्ट सबसे ज्यादा फेमस होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। अब बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में कि गेम डेवलपमेंट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। पाई गेम, पाई ओपन जीआई, आर्केड, पांडा 3D, पाई जीलेट, ये सब चीजें आती हैं। इनमें से पाई गेम सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की कि इमेज प्रोसेसिंग के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। ओपन सीवी, महोटस, सिंपल ITK, पिलो, स्काईकिट इमेज, इनमें से ओपन सीवी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब बात करते हैं वेब स्क्रैपिंग की कि वेब स्क्रैपिंग में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं। रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सॉप, सेलेनियम, स्क्रैपी, LXML, जिनमें से रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सॉप और सेलेनियम सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो ये सब चीजें थी जिसका यूज आप कर सकते हो वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में, गेम डेवलपमेंट में, इमेज प्रोसेसिंग में और वेब स्क्रैपिंग में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।